नमो जिनाणम ज्ञानोदय महाविद्यालय का आज प्रथम दीक्षांत समारोह है और ये इस महाविद्यालय के इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। आज का दिन एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा। मैं अनेक बातें कहना चाहता था लेकिन समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो वो बातें तो मैं हो सका तो लगता है मुझे शाम को अवसर मिलने वाला है और यदि वो मिलेगा तो मैं तब थोड़ी चर्चा करूँगा, है ना। हाँ, तो शाम को मुझे मौका मिल रहा है। मैं असल में ये कुछ बातें बताना चाहता था कि देखो असल में ये दीक्षांत समारोह होता क्या है, कैसे होता था। प्राचीन काल में इसकी प्रथा थी और इसका एक बहुत सुंदर इतिहास है। पहले के ज़माने में चाहे वो राजा का बेटा भी हो, उसको सामान्य व्यक्ति की तरह राजमहल छोड़ करके जंगल में गुरुओं के पास जाना पड़ता था और गुरुकुल में वो पढ़ता था। 10 साल 20 साल 20-20 साल हो जाते थे। देशभूषण कुलभूषण छोटे से पढ़ने गए थे और जब लौट कर आए तब तक जवान हो गए, उनकी बहन भी जवान हो गई थी। क्या क्या कहानियाँ हैं। और उस समय बहुत विविध विद्याएं उनको सिखाई जाती थी, केवल एक ही विद्या नहीं सिखाई जाती थी, हर विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे किसी को आयुर्वेद भी सिखाया जाता था तो किसी को दर्जी का काम भी सिखाया जाता था, जीवन की 72 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। और जब वो 10-5 साल उसकी शिक्षा खूब दे दी जाती थी उसके बाद उसे जीवन के क्षेत्र में उतारते थे और तब कहते कि तुम इन कुछ बातों का और ध्यान रखना जो कि अभी बताया, सत्यम वद धर्मम चर, कि अब तुम जीवन के क्षेत्र में जा रहे हो तो इन बातों का और ध्यान रखना। तो वास्तव में देखा जाए तो वहाँ तो वो दीक्षांत वाली बात कुछ समझ में आती है कि एक आदमी को हमने 5 साल आयुर्वेद सिखाया, हमने मेडिकल साइंस सिखाई, अब वो मेडिकल की फील्ड में जा रहा है। लेकिन हम और आपका काम दूसरी तरह का है, ये जुदा कार्य है, ये एकदम निराला काम है। हमको तो रात और दिन स्वाध्याय करना है, जिनवाणी पढ़ना है। हमारे लिए तो ऐसा सूत्र, एक जैन व्याकरण का ग्रंथ है बहुत अच्छा, कातंत्र व्याकरण। उस कातंत्र व्याकरण में लिखा है यावत् जीव मधीते विप्रह। कातंत्र व्याकरण का एक सूत्र है कि किसे विद्यार्थी कहना, कि जो जीवन के अंतिम सांस तक पढ़ता रहे उसे विद्यार्थी कहते हैं। और ऐसे ही भगवती आराधना में भी लिखा है कंठ गदे पाणे साहुणा आग मोह का दव्वो, प्राण कंठ में आ जाए तब भी हमें तो आगम का अध्ययन करना चाहिए। तो हमारे अध्ययन का कब अंत आ सकता है। हमारी तो 3 साल वास्तव में ये थोड़ी अभी खेत की जुताई उताई हुई है, अभी तो मैं कहता रहता हूँ अभी तो शुरुआत है, आगे बड़ी बात है। ये जो 3 साल 4 साल आप यहाँ रहे हो ना, ये तो क्रीम पीरियड है। और मैं तो भाई साहब अशोक जी से, इस विद्यालय के सब संचालकों से कह रहा हूँ कि जैसे वो 2-3 विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि हम आचार्य करेंगे, मैं कह रहा हूँ अभी इनका दीक्षांत करना ही नहीं चाहिए। अभी सबको यहीं रोको, मैं इजाज़त नहीं दे रहा,
सबको आप इनको आचार्य कराओ, इनको पीएचडी कराओ। देखो जैन दर्शन एक साधारण विद्या नहीं है, अद्भुत विद्या है। और जैन दर्शन, मेरे एक वाक्य पर ध्यान दिया जाए, जैन दर्शन एक प्राचीन और व्यापक दर्शन तो है ही, लेकिन एक व्यावहारिक और प्रासंगिक दर्शन भी है। आज के जमाने में आधुनिक विज्ञान जैन दर्शन के संपूर्ण आचार को, विचार को समर्थन करके सिद्ध कर रहा है, अनेक प्रयोग करके सिद्ध कर रहा है। इस समय जैन दर्शन की विशेष उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है। अभी अभी अमेरिका में 40 विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन डिपार्टमेंट खुले हैं, और वहां मैंने पता किया वो कैसे चल रहे हैं। वहां 10-10, 12-12 विद्यार्थी नहीं है, 1300-1300 विद्यार्थी जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। वहां पर हर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को भी जैन दर्शन पढ़ना जरूरी होता है। वहां सबके लिए जैन दर्शन का पेपर कंपलसरी है, क्यों कि आज का समाज शास्त्री, राजनीति शास्त्री सब इस बात को समझ रहे हैं कि आज विश्व में जो समस्याएं व्याप्त हुई है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की है, चाहे आतंकवाद की है, उन कहीं समाधान की कोई किरणें उनको दिखाई दे रही है तो वो जैन दर्शन में दिखाई दे रही है। जैन दर्शन समस्याओं को जड़ से समाप्त करता है। एक बार दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बड़ी बैठक थी और उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उसमें एक बहुत बढ़िया बात कही गई। एक वक्ता ने कहा कि जैन धर्म की जो जीवन शैली है, यदि उसे लोग अपनाएं तो एक भी व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े। और उसने कहा कि, उसने एक उदाहरण दिया कि कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, तो कैसे उसने उदाहरण दिया कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक जैन साहब को मलेरिया हो गया और वो डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने व्यंग करते हुए जैन साहब से कहा, क्यों जैन साहब आ गए ना, अब तो मलेरिया हो गया ना, अब तो मच्छर ने काटा ना आपको, आप तो बहुत कहते थे मच्छर मत मारो, मच्छर मत मारो, अब बताओ मच्छर मारे या तुमको मर जाने दें, क्या करे बताओ। तो वो जैन साहब बोले कि देखो डॉक्टर साहब, आपसे ज़्यादा बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे गुरुजी महावीर भगवान ने मुझे जितना सिखाया है उतना मुझे आता है और उतना मैं आपको कह देता था, ज़्यादा बहस करनी हो तो आप महावीर भगवान से बात कर लो। तो महावीर भगवान को फ़ोन लगाया गया, फ़ोन भी मिल गया। महावीर भगवान बोले, बोलो भैया क्या बात है, कैसे फ़ोन लगाया। बोले साहब, आप कहते थे कि मच्छर नहीं मारो, लेकिन अब एक धर्म संकट खड़ा हो गया है, अगर मच्छरों को मारते हैं तो आपके हिसाब से हिंसा होती है, आप मना करते हो, और यदि नहीं मारते हैं तो हमें मलेरिया हो रहा है, अब हम बड़े धर्म संकट में हैं, इसलिए आपको फ़ोन किया है, समाधान बताओ। तो भगवान महावीर ने कहा, रे भले आदमी, तुमने हमारी बात पूरी नहीं सुनी, हमने तुमसे कहा था कि रात में भोजन मत करो, रात में रसोई में झूठन के कण मत छोड़ो, कूलर में पानी मत छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तुम इनका ध्यान रखो, यदि तुम हमारी पूरी बात पर चलते तो मच्छर पैदा ही नहीं होते मारने का सवाल का।
यानी कि जैन आचार समस्या को जड़ से समाप्त करता है। एक दिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह श्रवण बेलगोला के कार्यक्रम में आए थे और उनका भी एक बड़ा सुंदर भाषण हुआ था, वो मस्त का विषय की स्मारिका में छपा हुआ है पूरा। उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला कि यदि सब लोग जैन जीवन शैली का अनुकरण करें तो देश में एक पुलिस चौकी की भी जरूरत ना पड़े। मैं आपको और भी कई उद्धरण बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये दो ही उद्धरण सामने रख लीजिए। एक उद्धरण कह रहा है कि देश में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा कह रहा है कि एक पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कल्पना कीजिए, यदि हमारे देश का धन स्वास्थ्य में और रक्षा में से बच जाए तो हमारा देश क्यों नहीं सोने की चिड़िया बन सकता है, कितना धन बच जाएगा। वही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि यदि गोपाल दास बरिया जैसे लोग यदि हों तो देश में सोने की पटरियां बिछाई जा सकती है, लोहे की नहीं। जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। एक पद्मश्री विद्वान हुए मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने एक लेख लिखा है, 21वीं शताब्दी में जीवित रहने की शक्ति किसी में है तो वो सिर्फ जैन धर्म में है। बहुत सारी आचार विचार की व्यवस्थाओं पर जहां दूसरे लोग खंडित हो गए, जैसे न्याय दर्शन कहता है कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये अलग अलग पाए जाते हैं, गंधवती पृथ्वी स्पर्शवत्याप सबको अलग अलग मानता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जहां स्पर्श होगा वहां रस गंध वर्ण चारों एक साथ होंगे और वो सब में है, और ये बात आज विज्ञान कह रहा है। जैन दर्शन कहता है कि कोई वस्तु नई पैदा नहीं हो सकती और कोई वस्तु कभी सर्वथा नष्ट नहीं हो सकती। आज विज्ञान चिल्ला रहा है, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, इट्स फॉर्म्स ओनली चेंजेड, केवल इसकी अवस्था बदलती है।